करने के वक्त ही ये याद आता है क्या? इससे इनका इंटेंशन बहुत स्पष्ट होता है कि जहां गए हैं वहां मार्ग बजाने के लिए गए। देखिए, हम वॉर ऑफ वर्ड में विश्वास नहीं करते हैं। उस वक्त भी हम तेलंगाना के साथ खड़े थे और आज भी समृद्ध और खुशहाल तेलंगाना के साथ खड़े हैं। हर क्षेत्र में होता है उसकी होती है। जब हमारे समय में तीन राज्य बने तो कहीं रक्तपात नहीं हुआ। समय पर तीनों राज्य का विभाजन हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कहीं पर रक्तपात नहीं हुआ। मगर उन्होंने अंत तक बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त भी संयुक्त आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए एटीएम था। और आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी है, जनता का कल्याण कहीं पर नहीं है, एटीएम बनाया हुआ है। इसलिए वो उसको बरकरार रखना चाहते। कालेश्वर परियोजना हो, शराब घोटाला हो, पोल्ट्री चारा घोटाला हो, ग्रेनाइट घोटाला हो, बाईपास घोटाला हो, और लगभग कार्तिकीय मिशन में 22,000 करोड़ का बजट के सामने पूरा खर्च होने के बाद 65-65% भी काम पूरा नहीं हुआ है। घोटालों की एक बड़ी लंबी सूची केसीआर ने 10 साल के अंदर तैयार की है और उनको अब डर भी नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी पहली बार कुछ गलत करता है तो डरता है, दूसरी बार करता है तो थोड़ा कम डरता है, करते करते इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि अब डर भी नहीं बचा है। निर्लज्जता के साथ वो घोटाले कर रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति, केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोच कर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। एक गैर संवैधानिक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। उन्होंने ढेर सारे ऐसी घोषणाएं की हैं, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं तेलंगाना की जनता को यही कहना चाहता हूं, तेलंगाना जिस आशा, उमंग और उल्लास के साथ राज्य की रचना हुई, 10 साल में बीआरएस पार्टी पूर्णतया विफल हुई। सिर्फ तांत्रिकों की एडवाइस पर चलते हैं और तांत्रिकों की एडवाइस पर पार्टी का नाम भी बदल देते हैं। मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी, हमारा संकल्प पत्र आने वाले दिनों में तेलंगाना को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए सैकड़ों तेलंगाना के युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना की कल्पना की थी। मित्रों, अब मैं हमारी घोषणा पत्र की 25 मुख्य बातों पर आता हूं। पहली घोषणा है कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम निजाम के क्रूर पंजों से तेलंगाना की मुक्ति को फिर से एक बार नई पीढ़ी को याद कराएंगे। हम बैरनपल्ली परकल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिन भी मनाएंगे, जो रजाकारों के सामने तेलंगाना की जनता ने जो लड़ाई लड़ी है इसको चीर स्मृति तक ले जाएंगे। और ये दोनों दिन
ऑफिशियल तेलंगाना गवर्नमेंट मनाएगी कोई डर के बगैर। हम मजलिस से नहीं डरते हैं, इनके सपोर्ट की ना जरूरत है ना चाहिए। इसके अलावा रजाकारों और निजाम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के संघर्ष का, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का होगा। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे और उचित पिनल कोड में कार्यवाही कर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन की आकांक्षाओं को, पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, बैकवर्ड्स की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारा अगला मुख्यमंत्री बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा, इसका तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी वादा देती है। असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण जो 4% है उसको हम समाप्त करेंगे, ओबीसी का बढ़ाएंगे और एससी और एसटी का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने कई बार वहां पर ड्यूटी कम करी है, परंतु केसीआर ने नीचे वेट घटाकर इसको कोऑपरेट नहीं किया। शायद तेलंगाना सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल डीजल वाला राज्य आज देश भर में है। महंगाई कम करने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद साथ ही दिन में पेट्रोल और डीजल पर वैट की कटौती कर पेट्रोल और डीजल को हम सस्ता करने का काम करेंगे। मोदी सरकार प्रति एकड़ अभी एक हिसाब करे तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे ही रही है, परंतु छोटे और सीमा चलो फोटोग्राफर बैठ जाओ भाई।